तो हेलो गाइस, देखो एवरीवन, हमारा न्यू स्टूडेंट अपना बैग वैग लेकर आया। आप इसका बैग देख सकते हो और बहुत सीरियस है। यहाँ पे बच्चों की क्लास चल रही थी तो ये मैम भी बड़ा सीरियस होके मुझे सुन रही है। जो आज मैं बच्चों को क्लास दे रही हूँ, मैम बहुत सीरियस है। गुन कामरा, गुन गुन, क्या बात हो गई गुन? अरे गुन, जय श्री श्याम गाइस। जय श्री श्याम। होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। सफ़र वाला सब कुछ हो चुका है। अब डेली रूटीन में आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे, आप लोगों को रेमेडीज मिलेंगी। तो गाइस, कैसे हैं सब आप? आशा करती हूँ मौसम बहुत अच्छा है, मज़े ले रहे होंगे आप सब। लेकिन गाइस, इस मौसम में चिप चिप नहीं फील हो रही आपको? जैसे कि आप बाहर जा रहे हो, लूज हेयर है आपके, थोड़ा सा चिप चिप। क्योंकि गाइस, कल मैं फंक्शन में गई थी, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, काफ़ी डांस किया, फैमिली मिली, बहुत मज़ा आया। हम कई, मतलब आप ये लगा लीजिए, कोई कोई तो 3-3 साल के बाद मिला था। पास में रहते हुए भी नहीं इतना टाइम होता, आज के टाइम में बिजी शेड्यूल रहता है गाइज। तो क्या था कि हम काफ़ी टाइम बाद मिले, तो पता नहीं कहाँ से इतना जोश आ गया, खूब डांस किया। और वहाँ पे जो मतलब अरेंजमेंट थे तो लूज़ में थे, खुले में थे, तो स्वेट तो आना ही था। इतना मैंने डांस किया ना, मेरे बाल गाइज पूरे स्वेटिंग हो गई बहुत ज़्यादा। और जब मैं रात को घर आई तो मुझे लगा चिप चिप है। फिर मैंने एक चीज़ सोची, ये तो अक्सर सबके साथ ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है गाइज कि हम बाहर जाते हैं, हमारे बाल चिप चिप हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शादी में जाओ तभी हो। हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं, आते हैं तो काफ़ी स्वेट हो जाते हैं। और गाइज, आने वाला सीजन है, जो वेदर है हमारा चिप चिप होने वाला है, क्योंकि कभी बारिश होगी, फिर धूप होगी, फिर बारिश, फिर आंधी, फिर बारिश। अभी मैक्सिमम ऐसे ही मौसम हमारा 1 से 1.5 महीना चलेगा गाइज, कई बार तो लंबा भी चल जाता है। तो गाइज, मैंने ये चीज़ फील की कि आने वाले टाइम में सबके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेरे साथ भी आई। तो गाइज, इस वेदर में आपको अपने हेयर केयर कैसे करनी है? सबके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे और व्हाट्सअप पे कि गाइज यही पूछते हो आप लोग कि हमारी हेयर केयर बताओ, हमारे बाल टूट रहे हैं, रीग्रोथ कैसे करें। गाइज, मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ, अगर हमारे बालों में प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर हम बालों को अच्छे से धो नहीं रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं रूटीन में, आपका मीन्स, मेरा कहने का मीन्स ये है कि आपकी रूटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रूटीन बहुत अच्छी है, वेदर के अकॉर्डिंग है, तो आपके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे गाइज। गाइज, मैंने अपने बाल कटवा कर और हाइलाइटिंग वगैरह करा के बहुत गंदे हो गए थे, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में अपने बालों को फिर से रिपेयर किया है। और आप मानेंगे, होम केयर से किया है, मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, होम केयर ही करती हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे अगर इतना रिजल्ट है तो गाइज आप सबको मिलना चाहिए। आज हम जब शूट कर रहे हैं, बज चुके हैं 9:15 हो चुके हैं, अब आपके लिए शूट कर रही हूँ। अभी फ्री हुई हूँ, आज फिर एक सब्सक्राइबर आई थी फेशियल कराने, तो उन्होंने क्लीन अप कराया, टाइम की बहुत कमी थी उनके पास। वो इतना 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 खुश हो गए, इतनी सारी विशेज दी, क्योंकि सब टीम मेरी जा चुकी थी, मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने फेशियल किया और क्या उसका रिजल्ट था ना गाइज, मैं बता नहीं सकती। वो बंदी दिल्ली से थी और भिवानी में सिर्फ मुझसे थ्रेडिंग कराने आई, बट वो सारा करा कर गए। तो जब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना गाइज, तो हमें ना और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और जान आ जाती है काम करने के लिए। आप टायर्ड हो, कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो सिर्फ आपका आना। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, कल आपको मैं स्मूथनिंग वगैरह सब बताऊँगी, रिपेयरिंग बताऊँगी, बट ये जो मैंने आज जो मैंने आपको बताना है, वो आप टीनेजर में बच्चों को, खुद को, सबको कर सकते हो। फिर वही चीज़ें लाऊंगी, कहाँ से? किचन से। आज किचन की भी है और जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी है। तो गाइज, फटाफट से चलते हैं, आ जाओ। गाइज, ये शूट करते हुए बहुत परेशान कर रही है, देख लो कैसे परेशान करती है।
बिल्कुल किसी का कहना नहीं मानते। अब ये कह रही है रात के 9 तो बज गए, अब तो घर चल पड़ो, अब तो खाना खिला दो, नींद आ रही है इसको नींद। तो गाइस उसके लिए लेंगे हम एक टॉवल, सेक्शन क्लिप या सेफ्टी पिंस कुछ भी ले सकते हो, कोई पुराना कपड़ा भी ले सकते हो आप। हम लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल गाइस, और हम लेंगे एलोवेरा जेल, और हम लेंगे बादाम तेल। ये मैं खुद प्योर निकलवाती हूँ इसलिए आपको ये प्लेन बॉटल में दिख रहा है, आप इसकी बजाय बादाम रोगन भी ले सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं लगाऊंगी टॉवल आगे ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो। तो गाइस मैं ले रही हूँ 1 स्पून ऑयल, क्योंकि मेरे बाल थोड़े कम हैं तो मैं 1 स्पून ले रही हूँ, अगर आपके ज़्यादा हैं आप 2 स्पून भी ले सकते हैं। उसके बाद गाइस आपने लेना है एलोवेरा जेल 1/2 चम्मच, ओके गाइस, और उसमें डालना है हमने 1 कैप्सूल। तो गाइस मेरे कैप्सूल जम चुकी है तो मैं आईडिया से डाल रही हूँ। गाइस अब मैं इसको करूँगी बीट। तो गाइस मैं ऐसे पार्टीशन निकालूंगी, आपको दिखाती हूँ, ये आपको सेल्फ करना है, आप खुद आराम से कर सकती हो। जैसे कि मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो गए हैं, बहुत फ्रीजी से रफनेस आ गई है, इसमें शाइन भी आएगी और आप रीग्रोथ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। गाइस ऐसे पार्टीशन निकालने हैं आपको, देख रहे हैं गाइस, आपने अपना पार्टीशन को ऐसे निकालना है। ये देखिए गाइस हमारा पार्टीशन निकल गया। देख सकते हो गाइस ये मेरा जेल तैयार हो चुका है, एलोवेरा जेल, बादाम तेल और कैप्सूल। मैंने ऐसे बिल्कुल रूट में नहीं लेके जाना है आपने गाइस, लेंथ पे लेकर जाना है, बिल्कुल डीपली रूट नहीं होना चाहिए, लेंथ पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये चीज खराब होती है ये, तो हमने लेंथ पे लगाना है। ऐसे करते करते हमने सारे बालों पे निकालना है। तो गाइस आप देख सकते हो मैं लेंथ में बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, बिकॉज मेरे लेंथ से बाल फ्रीजी हुए हैं, यूँ करते करते मैं सारे पे ले सकती हूँ गाइस, आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ, आई होप सो। और आपने एक बार क्या करना है, अच्छे से कॉम चला देना है, क्योंकि बाद में तो आपका हेयर बहुत थिक हो जाएगा, क्योंकि हमने सारा थिक प्रोडक्ट डाला है, तो इसीलिए हमने तुरंत ही कॉम मारना है। ये देखिए गाइस मैं लगाती जा रही हूँ और कॉम करती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, कॉम करती जा रही हूँ। तो गाइस ऐसे करके हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट, देख सकते हो आप गाइस, कर देना है। तो गाइस मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा बाउल खाली हो चुका है, आप देख सकते हो गाइस, बहुत ध्यान से देखा करो आप, वीडियो स्किप मत किया करो। देखो अब मेरे बाल थोड़ी देर में थिक हो जाएंगे, और गाइस मैं तुरंत कॉम चलाऊंगी क्योंकि बाद में मेरे बाल थिक हो जाएंगे। तो गाइस मैंने ऐसे किया और इसके आफ्टर मैं 40 मिनट इसको छोड़ दूंगी। तो बस मम्मा इतना ही, शावर कैप भी नहीं लगाना है, कोई टॉवल भी नहीं लगाना है, मैं ऐसे छोड़ के आराम से मैं अपने घर का काम कर सकती हूँ। आफ्टर 40 मिनट मैं इसको करूँगी वॉश, वॉश के बाद आपको शैम्पू नहीं लगाना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश करना है और छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू माइल्ड है या कोई हर्बल है, जो मैंने बताए हैं वो शैम्पूज हैं, कोई भी आप यूज़ कीजिए जो आप रूटीन में यूज़ करते हैं। गाइज एक ज़रूरी बात, मेरे कहने पे तुरंत कोई शैम्पू चेंज मत करना, क्योंकि जो भी आपका शैम्पू चल रहा है अगर उसके रिजल्ट हैं तो आप चेंज ना करें। बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सबसे पहले आप मेरा जो रीठा शैम्पू बताया था वो यूज़ करना, उसके आफ्टर आपने हर्बल पे जाना है, फिर आप एक अच्छे शैम्पू किसी पे भी जा सकते हो। अगर आपका हर्बल और रीठा से काम चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप काम चला सकते हो। आप देख रहे होगे गाइस जैसे जैसे सूखते जाएंगे मेरा बाल, ये आप दिख रहा होगा आपको अंश, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, ये मेरा थिक होता जाएगा गाइस, आपको दिख रहा है मेरा बाल थिक होता जा रहा है। तो गाइस अब ये मेरे पूरे हेयर्स थिक हो जाएंगे,
ओके। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे मेरे बाल बिल्कुल थिक हो चुके हैं और आफ्टर 40 मिनट में इनको वॉश कर दूंगी। ऐसा आपने वीक में 2 या 3 टाइम्स ज़रूर करना है और ख़ास तौर पे बारिश के वेदर में आपको बहुत ज़रूरी है। आप बार बार एक ही क्वेश्चन करते हो, री ग्रोथ। अरे यार, जब तक हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं करेंगे तो री ग्रोथ आएगी कहाँ से? जब तक हमारे बालों में गंदगी नहीं निकलेगी तो री ग्रोथ आएगी कहाँ से? तो गाइज अब हमारा टाइम हो गया है रिप्लाई करने का, आपके क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई करके वो मैं रिप्लाई करूँगी घर पे जाकर, बिकॉज मुझे शूट करते करते 10 PM हो गया है, तो टाइम ज़्यादा हो गया है, मेरा घर जाना ज़रूरी है। घर जाऊँगी, जाके बहुत अच्छे से आपके सबके कमेंट का जवाब दूँगी, क्योंकि 2-3 व्लॉग्स हो चुके हैं मैं आपकी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बिजी शेड्यूल था। बट अब रोज डेली आपको आपकी वीडियोस भी मिलेंगी और आपको हर तरह के जो हैं हर्बल प्रोडक्ट के बारे में धीरे धीरे आपको सारी जानकारी दूंगी। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, स्किप मत किया करो प्लीज़। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने अभी हेड वॉश किया नहीं है, आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी बाल धुले हुए, बहुत अच्छे होते हैं ये, बहुत अच्छा रहता है, आप सबको करना चाहिए। तो गाइस अब हम करेंगे एंडिंग। अरे हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दिया नहीं। गाइस आप सब ने हमें बहुत सारी विशेस दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस हेयर्स का मैंने आपको जैसे बताया ही है वही करना है, और फेस के लिए जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में दिखाया कि जो नीम होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है हमें इस मौसम में ईचिंग भी होती है और हमें रैशेस भी हो जाते हैं। तो गाइस कईयों को देखा होगा आपने, इस मौसम में रैशेस भी होते हैं, तो ऐसे में आपको खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है। जैसे उस दिन भी बताया था स्प्राउट भी खाओ, और आप ये जो मैंने सुबह में कच्ची नीम बताई है आपको ये भी खानी चाहिए, और डाइट थोड़ी अच्छी रखो गाइस। आप जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी अच्छी हमारी बॉडी बनेगी, और जो अब बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसमें आप छोले चने राजमा ये सब्जियां बहुत खाया करो, ये बहुत फ़ायदा करती हैं आपको बहुत ज़्यादा। और गाइस आज मैंने हेयर फॉल का आपको बता ही दिया, फेस का आपको बता दिया, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो सो प्लीज़ आप पूछ सकते हो मुझसे, कुछ भी किसी भी तरह की क्वायरी है कुछ भी है तो आप गाइस पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमेंट करो। और आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है आपको, वो तो ज़रूर करना है। देखा गाइस आज कल आएगी हमारे पास एक स्मूदनिंग, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारा वीडियो देखा, उनको लगा कि हेयर ट्रीटमेंट दीदी के पास बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो और फिर ट्रस्ट करके आते हो। और हाँ, आपके लिए आगे आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कल फिर एकादशी है, तो अगर मैं फ्री हुई कल तो बहुत काम है वैसे, अगर मैं फ्री हुई तो कल आपको मैं कीर्तन में ज़रूर लेके जाऊंगी, मत्था तो ज़रूर टिकवाऊंगी अपने सभी सब्सक्राइबर को। तो गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कोई भी क्वायरी हो आप फिर मैं बोल रही हूँ कर सकते हो। तो जय श्री श्याम।